जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 22 जनवरी जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक दिन जिसके लिए हमारे पुरखों ने मतलब कई पीढ़ियों ने वेट किया है। तो कैसा आप फील कर रहे हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो बस वेट है कि कब एक बार मौका मिले राम मंदिर जाके दर्शन करने का पूरा फैमिली के साथ। चलिए वीडियो के टॉपिक में आते हैं। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था बेस्ट 5 TWS अंडर 3000 रुपीस का, एंड उस वीडियो में हमें बहुत ज्यादा कमेंट मिला कि भाई अंडर 2000 रुपीस के अंदर भी बताओ कि कौन सा बेस्ट TWS है। वैसे जनरली हम 3-4 महीने बाद बाद इस तरह का वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि हर दिन एक नया नया TWS मार्केट में आता रहता है, एंड कुछ कुछ TWS ऐसा होता है कि जो बेस्ट 5 के रैंकिंग में जगह बना लेता है। तो चलिए, अगर आप भी एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और आपका बजट 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास है, तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसा TWS सजेस्ट करने जा रहा हूं जो कि इस प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट है। एंड इन पांचों ही TWS को मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया है, साथ ही इनके कंपटीशन में और भी जितना TWS मार्केट में अवेलेबल है उन सबको भी मैंने यूज किया है। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, ऑलमोस्ट हर TWS के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे स्पेसिफिकली अगर आप साउंड क्वालिटी को मेन प्रायोरिटी देते हैं या फिर कॉलिंग को या फिर गेमिंग को या फिर बैटरी बैकअप को, तो उसके हिसाब से भी सेपरेटली आपको कौन सा परचेस करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो 5 TWS मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, इन पांचों का ही डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर हमने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट दिखाया हुआ है, साथ ही गेमिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब कुछ आप उस वीडियो में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एंड छोटे छोटे फीचर्स भी हमने उस वीडियो में डिटेल में कहा हुआ है। तो इनमें से जो भी TWS को आप परचेस करेंगे ना, रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। एंड उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाले TWS के बारे में। एंड ये एक ऐसा TWS है जिस दिन से लॉन्च हुआ है, लॉन्च डेट पे ही मैंने परचेस कर लिया था, उस दिन से लेके आज तक मैंने सबसे ज्यादा इस TWS को यूज किया है। मैं यहां पर बात करूं ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो एंको बर्ड्स 2 के बारे में। क्या कमाल का TWS है। स्पेसिफिकली अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए एक बेस्ट TWS परचेस करना चाहते हैं, तो भाई 2000 रुपए के अंदर क्या 2500 रुपीस तक, इससे बेटर TWS आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप प्राइसिंग को देखेंगे तो इसका रेगुलर प्राइस तो है 1800 रुपए, बट सेल के टाइम पे ये आपको 1300 से 1400 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कमाल के प्राइसिंग के साथ भी ये TWS आता है। साउंड क्वालिटी के मामले में ओप्पो का ऑप्टिमाइजेशन मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगता है, एंड वो चीज आपको इस एंको बर्ड्स 2 में देखने को मिल जाता है। स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है, जो स्टूडियो इफेक्ट है, वो इस TWS में मुझे बहुत कमाल का लगता है। साथ ही वोकल्स आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर सुनने को मिलेगा, एंड जो बेस है वो आपको डीप तरह का तो मिल जाता है, साथ ही हल्का सा पंचियर साइड में भी है जो कि सुनने में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हाँ, इसमें आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ऐप के अंदर जाके अगर आप इक्वलाइजर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप के अंदर से जाके कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं इस TWS को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसका मेन रीजन है ना कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। अगर मैं सो के यूज करता हूं या फिर किसी भी टाइम पे यूज करता हूं ना, तो मुझे कोई भी इरिटेशन फील नहीं होता है, चाहे मैं कितना लंबा समय ही इसको क्यों ना यूज करूं। हां, इसका जो कॉल क्वालिटी है उसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, नॉइस कैंसलेशन काफी अच्छे से कर देता है, लेकिन आगे जितना भी TWS मैं आपको बताऊंगा उसका कॉल क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ वो चीज नहीं है। आप अगर 2-5 मिनट तक बात करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, बट लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल के लिए इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और गेमिंग में देखेंगे तो 80 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, तो कैजुअल गेमिंग आप इसके साथ आराम से कर सकते हैं। सो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप 2000 रुपए के अंदर साउंड क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट TWS परचेस करना चाहते हैं, तो इस ओप्पो एंको बर्ड्स 2 से बेटर कुछ आपके लिए नहीं हो सकता। एंड सेल के टाइम पे जिस प्राइस में ये TWS मिलता है ना, वो बहुत ही ऑसम वाला डील मैं कह सकता हूँ। एंड ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, हमने दोनों को एक साथ में परचेस करके वीडियो बनाया था, तो अगर आप कलर में कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो दोनों कलर का ही बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप दिए गए लिंक से परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है, आपको सेम पैसा ही पे करना पड़ता है, एंड उन पैसे से हम इस तरह के प्रोडक्ट को परचेस करके आप लोगों तक जेन्युइन रिव्यू पहुंचा पाते हैं। तो अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हम परचेस करके आप लोगों तक रिव्यू लेके आए, तो लिंक को जरूर यूज कर लीजिए, चाहे आप जो भी प्रोडक्ट्स क्यों ना परचेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो TWS मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका प्राइस रेगुलरली तो 2000 रुपए के ऊपर रहता है, बट सेल के टाइम पे ये आपको 1800 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है। मैं यहां पर बात करूं बोट की तरफ से आने वाला, सॉरी उल्टा पकड़ लिया,
बोट के तरफ से आने वाला बोट निर्वाणा आयोन। हाँ, जब आप इसको परचेस करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के बॉक्स में नहीं मिलेगा, ये एक स्पेशल बॉक्स था। तो ये जो TWS है ना, मेरे हिसाब से बोट के तरफ से अंडर 2000 रुपीस में जितना भी TWS मार्केट में अवेलेबल है सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें क्रिस्टल बाइनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई DSP का सपोर्ट है एंड दो अलग अलग आपको मोड मिल जाता है, एक है बोट सिग्नेचर मोड एंड दूसरा है बैलेंस मोड। जो साउंड क्वालिटी है ना बैलेंस मोड में, वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, बहुत ज्यादा बैलेंस साउंड क्रिएट करता है। एंड अगर आप ज्यादा बेस वाला साउंड सुनना पसंद करते हैं तो बोट सिग्नेचर मोड में यूज कीजिए। तो अलग अलग जेनर को यहाँ पर ध्यान रखा गया। साथ ही साथ पहले जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त ऐप सपोर्ट नहीं था, बट करेंटली इसमें ऐप सपोर्ट भी मिलने लग रहा है। तो ऐप के अंदर कि आप अलग अलग इक्वलाइजर चेंज कर सकते हैं, साथ ही अगर आप बटन्स फंक्शन वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो सारा चीजें आप इस TWS के साथ कर सकते हैं। एंड इस TWS का सबसे एक हाइलाइटेड पॉइंट है कि इसमें आपको इनसेन बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि है 120 आवर्स का। कैन यू इमेजिन एक TWS में 120 आवर्स केस के साथ बैटरी बैकअप एंड सिंगल चार्ज में एक एक ईयरबड्स को आप 24 घंटा तक कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। हालांकि कोई भी 24 घंटा कंटिन्यूअसली यूज तो नहीं कर सकता, बट इस तरह का बैटरी बैकअप आपको इस TWS में देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप कॉल क्वालिटी में देखेंगे तो इसमें क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है एंड कॉल क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो नॉइज है उसको बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉल लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन जैसा प्रीमियम फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालेंगे तो वीडियो या फिर जो म्यूजिक आप सुन रहे थे वो पॉज हो जाएगा एंड जैसे आप फिर से कान में लगा लेंगे तो वीडियो या फिर म्यूजिक फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपको मैन्युअली प्ले पॉज वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का TWS है जो कि आपको 2000 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है एंड स्पेशली सेल के टाइम पे जो प्राइस पे ये अवेलेबल हो रहा है ना आजकल, वो मेरे हिसाब से एक बहुत कमाल का प्राइसिंग है। और हाँ, सिर्फ 99 रुपीज देके इसके सामने में आपका जो नाम है ना वो भी आप इस TWS के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं अगर आप इसको बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आके परचेस करते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह पे ये TWS अवेलेबल है, तो सभी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही इसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इस बोट निर्वाणा आयोन को परचेस करने के बारे में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा TWS आपको परचेस करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बटन तो फ्री है, बट हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाले TWS के बारे में। एंड ये एक ऐसा TWS है ना, जब आप इसको कान में लगा के यूज करेंगे तब अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आप उसको रिसीव बोलेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, आप रिजेक्ट बोलेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट रिसीव हो गया, रिजेक्ट कॉल रिजेक्ट हो गया। यह है एक स्मार्ट TWS जो कि अगेन बोट कंपनी की तरफ से आता है, बोट एयरडॉग फ्लेक्स 454 ANC। अगर बात करो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो क्या कुछ आपको नहीं मिलता है इस TWS में, हर जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं 2000 रुपए के अंदर वो सारा चीज़ें आपको इस TWS में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अप टू 32 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि अगर आपके आसपास में बहुत शोर हो रहा है आप इसको कान में लगा के ANC मोड को ऑन कर लीजिए तो आसपास का जो शोर है वो आपको बहुत ही कम सुनाई देगा, ऑलमोस्ट 50% जो साउंड है वो कट आउट हो जाएगा। एंड साउंड क्वालिटी में देखेंगे तो साउंड भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ ही इसमें भी आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐप के अंदर जाके आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो TWS है ना वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप जिम के टाइम पे या फिर रनिंग वगैरह के टाइम पे यूज करते हैं, तो आपके कान से ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कॉल क्वालिटी में देखेंगे तो आउटडोर में नॉइस कैंसिलेशन उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, बट इंडोर कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप कॉलिंग के लिए लॉन्ग आवर्स तक इसको इंडोर में यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिल जाता है, एक ही साथ में आप दो मोबाइल के साथ कंटिन्यूअसली इसको पेयर करके यूज कर सकते हैं। एंड ANC के साथ ही आता है, बट बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, केस मिला के आप इसको 60 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, सिंगल चार्ज में आप एक एक ईयरबड्स को करीब 12 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC। एंड ANC मोड के साथ भी आप इसको करीब 9 घंटा तक यूज कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा नंबर है। एंड इसमें भी आपको इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो और क्या चाहिए भाई एक TWS में जो कि आपको 2000 रुपए के नीचे देखने को मिल रहा है। और जो जो हमने कहा इसके अलावा भी और भी काफी सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट आपको इस TWS में मिल जाता है, जिनका जिक्र हमने इसके डिटेल रिव्यू वीडियो में किया हुआ है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो दो अलग अलग कलर वेरिएंट में ये TWS आपको मिल जाता है एंड सेल के टाइम पे आराम से ये 2000 रुपए के नीचे मिल जाता है, रेगुलर प्राइस करीब 2500 रुपए के आसपास रहता है।
तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों ये बात करते हैं नंबर दो पे आने वाले TWS के बारे में। ये कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था एंड जब लॉन्च होता ना तो इसका प्राइस 2200 रुपये था। मैंने 2200 रुपये देके इसको परचेज किया था, बट करेंटली मैं नोटिस कर रहा हूँ जब भी कोई छोटा मोटा सेल भी आ रहा है ना तब भी आपको ये 1700-1800 रुपए के नीचे देखने को मिल रहा है। मैं यहां पर बात करूं वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R के बारे में, एंड इस प्राइस में ये भी एक लूट वाला डील बन जाता है। इसको नंबर दो पे रखने का जो मेन रीजन है वो है इसका साउंड क्वालिटी, साथ ही साथ कॉल क्वालिटी एंड कंफर्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें इस TWS का मुझे बहुत कमाल का लगा। अगर आप साउंड में देखेंगे तो जो साउंड स्टेजेस है वो आपको बहुत क्लियरली पता चलता है, जो बेस का पार्ट है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ जो ट्रबल है, जो वोकल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके आप इक्वलाइजर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। एंड जो कॉल क्वालिटी है ना उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक एक ईयरबड्स में आपको दो दो करके माइक मिलता है, जिसकी वजह से जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे या फिर इनडोर में जाके यूज करेंगे, दोनों में ही नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, आपका जो वॉइस है वो काफी ज्यादा क्लियरली उल्टा साइड में पहुंचाता है, जिसके वैसे अगर आप लॉन्ग आवर्स तक फोन में बात करना चाहते हैं तो इस TWS के साथ आप आराम से कर सकते हैं। एंड ये जो TWS है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना चाहते हैं। साथ ही साथ ईयरबड्स का जो डिजाइन है ना वो आपको काफी अलग मिल जाता है अगर आप इस रेंज के बाकी ईयरबड्स से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो साइड का स्टेम है ना वो आपको लंबा नहीं मिलता है, थोड़ा सा शॉर्ट साइज का मिलता है बट थोड़ा चौड़ा है, तो दिखने में थोड़ा यूनिक भी लगता है। एंड कनेक्टिविटी वगैरह बहुत स्ट्रांग है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसमें आपको कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आपको इन सब का जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि इस TWS के साथ आप जरूर जा सकते हैं। गेमिंग में भी देखेंगे तो 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो लेटेंसी है वो मुझे काफी कम लगा। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो इसके साथ आप आराम से खेल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप एक बेस TWS परचेस करना चाहते हैं 2000 रुपए के अंदर, जहां पर जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपको बहुत अच्छा मिलता हो, तो वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R से बेटर ऑप्शन आपको बिल्कुल भी मार्केट में नहीं मिलेगा। एंड जो क्वालिटी है ना TWS का वो बहुत अच्छा है, आप लंबे समय तक इस TWS को यूज़ कर पाएंगे। तो इसका भी डिटेल वीडियो हमने चैनल पर बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड साथ ही इसका भी बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये बात करते हैं नंबर वन पे आने वाले TWS के बारे में। एंड अक्सर जब भी हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो मैं हमेशा नंबर वन स्लॉट उसको देता हूँ जो मेरे हिसाब से हर फील्ड में ना काफी अच्छा परफॉर्म करता हो, ना कि किसी भी पर्टिकुलर एक जगह पे वो बहुत अच्छा हो। तो यहां पर मैं नंबर वन पे रखना चाहूंगा Realme की तरफ से आने वाला Realme Buds T300 को, जो कि 2-3 महीना पहले आया था, एंड इसका भी रेगुलर प्राइस करीब 2200-2300 रुपया होता है, बट सेल के टाइम पे इजिली आपको ये 2000 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है। एंड मेरे पास ये जो कलर वेरियंट आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर है, इसके अलावा इसका एक व्हाइट कलर वेरियंट भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप कलर में कंफ्यूजन है तो इसका भी जब हमने रिव्यू वीडियो बनाया था उसमें मैंने दोनों कलर को ही साइड बाय साइड दिखाया था, तो उस वीडियो को जाके आप देखिएगा तो आपका कलर में कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर बात करूं इसके क्वालिटी के बारे में तो इसका जो साउंड है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, 12.4 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर के साथ ही आता है, बेस का पार्ट आपको काफी अच्छा सुनने को मिलता है, साथ ही मिड्स एंड लोज भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। एंड रियलमी के हर TWS के जैसा इसमें भी आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके इसमें भी आपको अलग अलग इक्वलाइजर मिल जाता है, आप चेंज करके यूज कर सकते हैं, साथ ही कस्टमाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड ऐप के अंदर साउंड क्वालिटी में आपको और भी बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है जिसको यूज करने से आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली एनहांस होगा। साथ ही इसमें आपको अप टू 30 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है, एंड जो ANC का क्वालिटी ना वो अंडर 2000 रुपीज के किसी भी अदर TWS से आपको सबसे अच्छा मिल जाता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। एंड अगर आप गेमिंग में देखेंगे ना तो इसमें आपको 50 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए TWS ढूंढ रहे तो डेफिनेटली आप इस TWS के साथ जा सकते हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको लेटेंसी फील होगा जब आप इस TWS को यूज करेंगे। साथ ही इसका जो ईयरबड्स है ना वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आता है, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन तो फील नहीं होगा, साथ ही अगर आप वर्कआउट के टाइम पे या फिर रनिंग के टाइम पे यूज करना चाहते हैं तो आपके कान से यह बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बहुत ही सिक्योर फिटिंग के साथ आता है। एंड कॉल क्वालिटी को मैं भूल ही जा रहा था भाई, कॉल क्वालिटी में भी ये TWS इनसेन परफॉर्म करता है, क्वाड माइक का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है, जो नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत कमाल का मिल जाता है, इनडोर आउटडोर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम कॉलिंग के लिए। मैंने पर्सनली इसको काफी लंबे समय तक कॉलिंग के पर्पस में यूज करके देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, तो हर फील्ड में ये TWS आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, इस वजह से मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। बट हां, एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि साउंड क्वालिटी में ना इसको मैं अंडर 2000 रुपीज में नंबर वन नहीं कहूंगा,
ओप्पो एंको बर्ड्स 2 या फिर वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 आर बोट निर्वाणा आयोन बेटर साउंड क्वालिटी के साथ आता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा पीछे, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो ये भाई सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, वो चाहे कॉल क्वालिटी में हो, एएनसी फीचर्स में हो, या फिर बैटरी बैकअप में हो, या फिर कंफर्टेबिलिटी में हो, या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस को अगर आप देखेंगे, एंड साथ ही साउंड क्वालिटी सब कुछ मिला के ये मुझे सबसे बेस्ट लगा अंडर 2000 रुपीस में। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके साथ हमने वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R का कंपैरिजन वीडियो भी किया था, तो अगर आप इन दोनों TWS में कंफ्यूज है तो चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस मेरा लिस्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बट अगर आपको लगता है कि और कोई TWS है जो कि 1500 से 2000 रुपए प्राइस के अंदर आता है बट हमने उसको इग्नोर किया है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और भी लोगों को पता चले एंड हमें भी पता चले। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले एंड साथ ही आप हमें सपोर्ट भी कर पाओ। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।